अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले तो स्टूडेंट मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अक्सर ये आर्टिकल पेपर में एज अ लॉन्ग आ जाता है, ठीक है जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Consider we have a parallel plate capacitor that consisting of two conducting parallel plates of magnitude of charge q and separated by a distance d। जैसा कि हमने previous topic में discuss किया कि मेरे पास एक parallel plate capacitor है जिसकी दो conducting plates हैं, plates के दरमियान जो फासला है d, distance separation है, ठीक है जी। ये जो plates इनका जो area है वो हमारे पास capital A है, ठीक है जी। इसका भी A, इस plate का area भी कितना है ए, ओके। और इसको हमने वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, ऐसा हमारे पास स्विच है। हमने पढ़ा कि जो जो हम वोल्टेज ज़्यादा करेंगे इन प्लेट्स पे, चार्ज भी जो है वो ज़्यादा स्टोर होगा। तो इट्स मीन के जो हमारे पास रिलेशन था चार्ज और वोल्टेज का वो डायरेक्ट था। चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। सो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को ख़त्म किया, क्यू इज़ इक्वल टू सी वी। अब आप जानते हैं ये सी है हमारे पास कैपेसिटेंस, ठीक है जी। तो C को लिखा जा सकता है Q ओवर V। तो आज हमने C का ही रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है इन टर्म ऑफ A और D। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एरिया पर, डिस्टेंस पर और नेचर ऑफ मीडियम पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, तो वो आज रिलेशन से भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, सी वैक्यूम, जब कोई इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है तो सी वैक्यूम है जी क्यू ओवर वी। तो आप देखें, हमने रिलेशन पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं क्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा ए। क्या लिख सकता हूँ जी? सिग्मा ए, क्लियर हो गया। और बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने ये फार्मूला पढ़ा इज इक्वल टू वी ओवर डी इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो V को लिखा जा सकता है V इज इक्वल टू ई डी, क्लियर। ये जो रिजल्ट है V इज इक्वल टू ई डी और Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, मैंने दोनों इधर क्या कर दिए जी, पुट। Q की जगह आ गया सिग्मा ए और V की जगह आ गया ई डी, ठीक है जी। सो बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है जी, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो हमने ये फार्मूला प्रूफ किया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस E की वैल्यू जो है अब मैं पुट करने लगा हूँ सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो आप देखेंगे सिग्मा जो है सिग्मा से कैंसर, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो ये बन गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो सी वैक्यूम का फार्मूला आ गया मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो इट्स मीन ये प्रूफ हो गया कि कैपेसिटेंस जो है वो एरिया पर डिपेंड करती है, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है जी। एरिया ज़्यादा करेंगे कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जबकि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस जो है वो कम करेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। और नेचर ऑफ मीडियम के साथ भी कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर डायलैक्ट्रिक प्रेजेंट है तो रिलेटिव परमिटिविटी आएगी, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, ठीक हो गया। तो ये सारे MCQs पेपर में बन सकते हैं, आपने याद रखना है। और यहाँ से आप ज़रा देखें कि ये जो है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, इसका हमने जो यूनिट पढ़ा था, जो वैल्यू पढ़ी थी वो थी कूलम्स लॉ में 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आज मैं आपको इसका एक और यूनिट बताता हूँ। तो इधर देखें, ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ इस ब्लॉक में। तो देखें फार्मूला है हमारे पास सी, इस डी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी डी ए को डिवाइड करने लगा हूँ, सी डी ओवर ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें नया यूनिट क्या बनता है इसका। कैपेसिटेंस होती है जी फैरड में, किस में होती है? फैरड में। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर में। एरिया मीटर स्क्वायर में। तो ये मीटर इससे कट गया, तो फैरड पर मीटर जो है वो किसका यूनिट है जी? एप्सिलॉन नॉट का। तो मार्क कर लें, ये भी पेपर में एज अ MCQs जो है जी वो पूछा जा सकता है कि फैरड पर मीटर किस, तो फैरड पर मीटर भी जो है वो किसका यूनिट है हमारे पास? कैपेसिटेंस का, ओके।
तो नेक्स्ट है जी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, ठीक है जी, एज अ मीडियम। तो अब आप देखें कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, सी मीडियम जो है उसका क्या फार्मूला होगा, देखें ये था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अब मीडियम प्रेजेंट है तो इधर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है जी। तो मीडियम प्लेस करने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हुई है, क्या हुई है जी, इंक्रीज, ठीक है। अब आप देखें इस सी मीडियम में ये जो सारी की सारी टर्म है, ये वाली, ये जितनी भी टर्म है ये तो सारी सी वैक्यूम वाली टर्म है। कौन सी टर्म है, सी वैक्यूम वाली। तो इधर मैंने प्लेस कर दिया सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर जो है जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है जी, या इसे हम डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, ये किसकी रेशियो है। तो देखिए सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ इट के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट टू द कैपेसिटेंस व्हेन नो मीडियम और एयर और, ठीक है जी, एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया जी। तो मीडियम और वैक्यूम की जो रेशियो है वो एप्सिलॉन आर है, तो इसका यूनिट भी फैरेड था, इसका यूनिट भी फैरेड था, फैरेड फैरेड से कट गया। तो याद रखना है एप्सिलॉन आर यूनिट लेस है, एप्सिलॉन आर डायमेंशन लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये पेपर में एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आपकी बुक में बेटे दो डायग्राम बनी हुई है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, साथ क्या लगे हुए, इधर भी वोल्ट मीटर है, इधर भी वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसकी कम है। सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलेशन हमें बता क्या रहा है, तो ये आपको यहाँ से सही पता चलेगा। देखें जब हमने कहा कि डायलैक्ट्रिक जब एज अ मीडियम प्रेजेंट था, ठीक है जी, जब डायलैक्ट्रिक एज अ मीडियम प्रेजेंट था तो कैपेसिटेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज, ठीक है जी। तो जब डायलैक्ट्रिक प्रेजेंट था तो कैपेसिटेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज। जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही थी तो वोल्टेज को क्या होना चाहिए, डिक्रीज, क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो इधर देखें शाबाश, वोल्टेज की डिफ्लेक्शन कम है जब मीडियम प्रेजेंट है, जब डायलैक्ट्रिक प्रेजेंट है, लेकिन जब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं था तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम थी, जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कम थी तो वोल्टेज ज़्यादा था, ठीक हो गया जी। तो ये जो फिगर्स हैं ये एक्चुअली में वोल्टेज वोल्ट मीटर से हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियल कम या ज़्यादा कब और किस तरह से होगा, ठीक है जी। तो अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह हाफिज़।